नरसिंह जी महाराज रोजीना भगवान रे मंदिर जावता नरसिंह जी ने केदार रो वरदान हो। अरे भगवान कह रहे नरसिंह तू केदार गाएगा तो मुझे आना पड़ेगा। हाँ सा ओ वरदान हो नरसिंह जी ने। अरे रोजीना सुबह री टाइम रे में केदार राग रो गायन करता और केदार गावता ने भगवान रे उठे प्रगट होनो पड़तो। आशा और प्रगट होन करता कहीं नरसिंह जी ने रोज ने एक हार पहरावता। अरे अरे रोज रो एक हार नरसिंह जी रे गले रे में भगवान खुद पहरावे। आ बात यूं आगरी तरफ पूरे नगरी में फैल गई। जय हो। तो कई दुखिया रही गणा हा भक्ति करण में ही दुखिया रहा गणा। अरे अरे के नरसिंह रो नौ वीतो की करवे वे दुखिया री जान एक दिन राजा रा कौन भरे। भरे सा पर राजा रा कौन भी भरिया केड़े ता केऊ। एक दिन कोई संतो रो आणो वे और नरसिंह जी जिनटे में संतो रे वास्ते कोई भोजन रो आइटम लाउन वास्ते शेठ साहब री दुकान माते जावे। जावे सा शेठ जी रे कने जान के शेठ साहब मारे श्यार संत आया वारे भोजन करानो। जय हो। और आपकी एड़ो आइटम दो आइटम दे दो जिका श्यार संत रोटी जीम ले। जय हो। जद के थारे रोज संतावे मैं कौन कौन आवा दू। हाँ। कोई एड़ी सीज वे अरे अडो नहीं रख दो तो मैं थाने दे दू दे दू। नरसिंह के मार्ग ने गेण हो तो अडो न रखो मोर गुडे आ चीज तो है नहीं। हाँ सा मारी हेंगू कीमती सीज है राग केदार। हाँ। केदार गाऊं भगवान प्रगट वे। अरे भगवान ने भी नो मारे खायोडो अन्न और पानी भी मारे अंग नहीं लागे वारा दर्शन नहीं करूं जीते। अरे अरे और संतों रे वास्ते परमार्थ रे वास्ते मैं मारी केदार अडो नहीं रख सकू। हाँ के रख दो। जय हो। अब 60 रुपया रे अड्डो ने भाव रे में केदार राग ने उठे अड्डो नहीं रखो और नरसिंह जी उठू सीधा संतों रे भोजन रे वास्ते वो लेन जावे। और कई बात लिखे भक्त कहे कहे सा को जंग। अरे अरे भूलो भमरो ए सखी ओ राख लगावे अंग। जय हो। या होती एक केत की जड़ी अगन के संग। आस प्रीत पुरानी कारणी ओ राख लगावे अंग। प्रीत होती तो रयो क्यों जलियो ने उनके संग। लाजा मर तो बापड़ो राख लगावे अंग। अरे 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 जिन दिन जली थी केत की और भंवर नहीं था संग। पौकों पर लेपन करे और जापों सावे गंग। जय हो। ओ है भगवान मतलब इन्हें कहवे भावना। अरे पर हरेक हर आदमी भावना समझ भी नहीं सके। आ एकदम फाइनल है। चार सखी एक भंवरो बोनीर में लुटे न गंगा में हिनोन करे। बोनी में लुटे न गंगा में हिनोन करे। अरे जन कह एक सखी कहवे की बोन में तो भंवरो तो पागल हो। अरे भंवरा फूल में रहू नाला है राख में कहूं लुटे। जद के यू नहीं है ये पहली सखी कह बाग नहीं केत की था जंग। अरे तो ये सखी और राख लगावे रंग और भूलोड़ो है कोई न मातर नाड़ आगी पाची है। अरे दुजोड़ी के नहीं नहीं आ बात थारी भूल है। क्यों कि जहाँ होती है केत की एक केत की रो भूल और अटीज भवरे रो रे उनो स्थान हो। अरे यहाँ होती है केत की जल गई अगन के संग। प्रीत पुराने कारणी ये राख लगावत अंग। इन अति प्रीत ही इन जन और राख लगावे के नहीं जुटी बात है। अगर जिन्हें जिन चीजों प्रीत वे अनवा उन जुदा हो जावे हो ही नहीं सके। अरे प्रीत हो तो रहो क्यों जलियो नहीं उनके संग। लाजो मरतो बापड़ो राख लगावी अंग। हमें लोग हसाई होती थी कि जनो राख लगा रही हो। अरे के छोतोड़ी केवे थाने इन भंवरे रा भाव था नहीं है। के की कर के जिन दिन जली थी केत की भंवर नहीं था संग। अरे पोंको पर लेपन करे जा पहुंचावे गंग। ओ पोंको माते इन बोनी ने लगा लगान गंगा प्रवेश करियो कि मेरा मित्र जा चुका है कमू कम भूल तो गंगा प्रवेश कर दो। अरे अरे तो नरसिंह जी हाँ कहीं तो राग ने अडौनी रख दी। हाँ पर भगवान ने हार पहरावनो तो पहरावने आवे की कर। हाँ सा अब उठी हुई दुखियारी बेटा जान राजा ने कह दी और कितनी मोटी देन कर दी। हाँ तो कवि लिखियो है लिखियो सा अरे नरसिंह पर कृपा करने जी पेरायो मोहन हार। नरसिंह पर कृपा करने जी पेरायो मोहन हार।
जी एक दिन नरसी संत जी माया मोत की आए आठ जी एक दिन नरसी संत जी माया मोत की आए ठाठ नरसी मोत की आए ठाठ राग के दारो मिली अडानी राग के दारो मिली अडानी रिपिया दीना साथ रे रिपिया दीना साथ रे नरसी पर कृपा करने रे फेरायो मोहन नरसी पर कृपा करने रे फेरायो कृपा करने पेरायो मोहन हार हार एक दिन नरसी संत जी माया बहुत किया है ठाट राग केदारो मेल दी अडानी ने रिपिया लिया या साठ 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 रिपिया में केदार राग अडानी रख दी अरे अब करे तो कहीं करे तो अठिनू वे दुखियारी जाओ और राजा ने कहे हे महाराज सुनो सुनाओ कहीं यो अरे अजी चुगल खोर जाए चुगली खाई गयो राजा जी के पास जी चुगल खोर जाए चुगली खाई गयो राजा के पास ए गयो राजा के पास बैठो ठकारो करे ठगाई भगवान की जय हो बोलो राजा राम जी महाराज की जय हो अब लिखियो है आशा नरसी पर कृपा जिनटे में नरसी जी साठ रुपया में कहे सुगल खोर जाए चुगली खाई गयो राजा के पास बैठो ठगारो करे ठगाई जूनागढ़ रे वास एक ठग आदमी बैठो है ठगायो कर रियो है इन वास्ते इन जूनागढ़ रे पीछे एन अपोर छोक में बैठो अरे ने राजा साहब आपरी न्याय री नगरी में एड़ो अन्याय हो रियो अरे अरे दुनिया ने ठग रियो है बैठो गांव लूट रियो आशा यू ठानी रे वो तो राम धाम धन लूटे क्यों लूटनी भी आदमी ने रीति आवनी चाहिए कई राम नाम रो धन लूटे कई दुनिया रे धन ने लूटे कई की लूटे कई की लूटे जड़ा जड़ा खुदरा भाव है वे सब चीज लूटे पर हकीकत री बात नरसी ने केवल राम नाम धन लूटा लूटा तो क्यों कि अभी समझ में आवे जन रे कोई माता जी घर में बूढ़ा एक दिन घरे एकला नैनो पोतो कने अरे माजी देखियो गांव में हमार बेटी हवा चोर आली हली बेवे अरे चोर गांव में आयोडा घणान कई हेलो नी है रात्रा वड़गावे तो मन बुढ़िया री ने मार देन मार छोरे री देन करान उबी रून मार घर में गिरे बेदी अरे तो बुढ़िया में बहुत अकल है अकल रा भंडार केवे जिका वे बुढ़िया है जय हो तो जिन टाइम रे में हां दासा दिन बजी टाइम है कौन ठाओ की चोर बेटा गांव रही जे अरे रोज जिन घर में कोई मोटी आदमी वे उन घर में की इनकी छोरी वे इनो मतलब चोर गांव रा जोन भेदी है जय हो अब एक दिन सोमरी टाइम में वा डोगरी बैठी बैठी के छोरा बहुरिया के कई के अपरे मारो लायोड़ी पड़ी घरे वे पेटी में के तिजोरी में आज राखनी कौन के क्यों माँ के अपरे काले कपड़े में बोंद नीबड़ी माँ टोंग दो जो को छोरो न ओठा थोड़ी धन नीबड़ी माँ पड़ी रहे अरे के माँ सही कहो मैं आतो आतो इज काम करूँ बड़े कोई हुण ले तो गिरे करानू बारे जय हो
हम इती कात कहन के बेटा रे हम आपो ठाई ठाई हो जाओ हम छोर बेटा बारे कोनो कौन हुनी के सोरो टारगेट रात रो ओइज घर हो अरे छोर के रे अपन डरती डोगरी मोरो काली थैली में गाल नीबड़ी माते बोंदे कोई तिजोरी रा ताला तोड़ो धन मिले के नहीं मिले नी धन थाए पड़ियो आज अपन तो आराम हो जाओ पुलिस केस ही बिने कोन अरे सा ले आओ तब अब रात्रि टाइम रे में छोर बढ़िया घर में जा और जिन टाइम में नीबड़े रे माते छड़िया छड़िया सा नीबड़े रे माते कोई काली थैली में धन नहीं हो बेटो भंवर बाप जी बैठो मोटोड़ो मांगे मिंदे अरे अरे अब जहाँ पर जबीर गाली जो तोड़ दू अजियो थोड़े कहूँ पूरे शरीर में छिपी जो दबीड़ देनी कूदियो नीचो 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 कूदियो के डोगरी होती होती आको करियो छोर छोर के थूपच के हूकार गणिए कटी बतावे कटी मोरे हैं आठ का पंगा दिया तो भाई आदमी सत्संग में जावे और उन्हें शब्दरी चोरी करनी नहीं आवे तो बचे उनकी खुदरी कमी है क्योंकि आप देख लो सत्संग में बैठना बहुत दोरो काम है और होरो काम नहीं है अरे आदमी फिर भी सत्संग श्रवण करे तो परमात्मा कहे उन्हें साथे तो नरसिंह जी महाराज भी परमात्मा री सत्संग तो छोड़ी को अरे अरे अब अटियो राजा ने ठा पड़ियो तो आप रे दूत ने भेजियो और दूत जावे राजा जी रा और कहीं कहवे कहवे सा ए जी राजा जी जब दूत पटाया नरसिंह यो बुलाए जी राजा जी जब दूत पटाया नरसिंह यो बुलाए राजा जी जब दूत पटाया नरसिंह बुलाए हे नरसिंह बुलाए जैसो हार हरि थाने पहरावे जैसो हार हरि थाने पहरावे वैसो माने बताई लियो बुलाए जैसो अर्थ हरी थाने पहरावे वैसो माने बताए हे नरसी मैं सुनियो थाने भगवान हार पहरावे अरे या तो मैं दंडित करूं थाने वही बात कह या मने आनवे जिका आदमी थारी चुगली खाई वाने अन निजन आज नरसी जी थोरो मामलो फाइनल वे जाला क्योंकि थे लोगों ने ठगरिया वो मारे हम ही हार पहरवान बताओ अरे अरे अब नरसी जी ने ठा है कि बेटो देखो जिको तीर लगायो है बड़ो ठाए रो जोन लगायो है हाँ हमें अडोनी पड़ी न राग केदार नहीं गाँव जड़ तक सौमरियो आवे कोनी सौमरियो नहीं आवे तो हार मने पहरावे कोनी अब करनो कहीं रियो अरे जब नरसिंह जी मन ही मन विचार करेगी राजा तू तो कहीं समझे कि मैं थारो नौकर हूँ अरे मैं इन दुनिया में नौकरी एक ही धनीरी करी वो है मारो दीन दयाल सांवरियो शेठ बिनी नौकरी करूँ नौकर उन्हों उन्हें धके नाचूं उन्हें धके गाऊं उन्हें धके मैं रोऊं अरे पर थारे आगे नहीं गाऊंगा तो राजा ने नरसिंह कहवे कहवे सा नरसी के वे सुन ले राजा थारे आगे नहीं गाऊं नरसी के वे सुन ले राजा थारे अट्टे नहीं गाऊं नरसी थारे अट्टे नहीं गाऊं राजन थारे अट्टे नहीं गाऊं नाचूं गाऊं ताल बजाऊं नाचूं गाऊं ताल बजाऊं ओ हरि मंदिर में जाऊं ओ हरि मंदिर में जाऊं नरसी पर कृपा करने रे तेरा यो हार नरसी पर कृपा करने रे तेरा यो हार
कहो है आसा केवे की नरसी कहवे सुन ले राजा थारे अटे नहीं गाऊ मैं अटे तो गाऊ ज नहीं अरे नरसी कहवे सुन ले राजा मैं थारे अटे नहीं गाऊ नाचू गाऊ ताली बजाऊ मैं हरि मंदिर में जाऊ जय हो ठाकुर ठाकुर जी मंदिर आगे नाचू कूदू गाऊ उठे हैं काम करू पर थारे अटे नहीं गाऊ अरे तो राजा के ठाकुर जी मंदिर क्यों दूर है बाप की बाना बनाया काम वे नहीं अरे ठाकुर जी मंदिर आलो हार माने तो थारे गले में हार पैर तो देखनो है जय हो और की नहीं करनो नरसी देव के बेटो करी हाची अब भगवान की मर्जी है आज तो कहीं करनो रियो अब ईश्वर मन ही मन कष्ट देवनो तो दे अरे उनटे में नरसी जी राजा ने ले और उठे मंदिर में आ जावे सर। मंदिर में बैठा भजन गावता गावता कहे जिनी कोई कमी नहीं राखी पर केदार नहीं गावे कहे नाचे गावे ताल बजावे केदारों नहीं गावे नाचे गावे ताल बजावे केदारों नहीं गावे नरसी केदारों नहीं गावे अरे केदारों गाया बिना केदारों नाचे गावे ताल बजावे केदारो नहीं गावे अरे केदारो गाया बिना वो सांवरियो नहीं आवे आवे भगवान आवे नहीं नरसी गा गा ने एड़ी दशा होगी अरे अब नरसी बार बार पड़े गुड़े बेहोश हो जावे राजा के पानी डालो अरे पानी रा छोटा दे दे नरसी नुबो करे बाप जी हार के नरसी जी बड़े गाँव तारुवे पाचा गाँव डूब जावे अरे आखिर कई दशा वे अरे गावत गावत नरसी थकियो थकी कंत की वाणी गावत गावत नरसी थकियो थकी कंत की वाणी ए थकी कंत की वाणी नरसी नरसी थकिया थकिया सर और थकी कंठ की बाणी बाणी नरसी जी रे गले रो कंठ थाग्यो खुद एड़ी हालत में होगा कि बस हा नहीं निकलियो अरे गावत गावत नरसी थकिए थकी कंठ की बाणी बाणी नरसी जी ने प्यास लागी और कौन पिलावे पानी पानी उठे नरसी जी ने एड़ी प्यास लागोड़ी गड़ो हुको अरे और हुको जिंटे में पानी रोके तो राजा के नहीं महाराज पहली हारन पच पानी जय हो नरसी जी के अरे भगवान और राजा मन मार दे आगे में नरसी जी दुखी भी होना अरे हे प्रभु अब तो आप पधारो नरसी जी जी एड़ी हालत देखी राजा देखी रे भगवान देखी रे मारे भगत ने और राजा मार दे अरे यहाँ निकल गई हमें
अब मैं परीक्षा ली गणी ली अब कीन कीन एरो काम करनो पड़ी मारे भगतरो प्रण पूरो करनो पड़ी। तो राजा बटे खड़ा है और भगवान त्रिलोकीनाथ कहीं लीला रचावे और कहीं नरसिंह जी हाजरी में खुद आवे। देखो अवश्य हे जी नर धरियो गयो के पास जी नर रूप धरियो गिरधारी गयो सेठा के पास रे रूप दरियो गिरधारी गयो सेठा के पास रे गयो सेठा के पास राग के दारादी भर पाई राग के दारादी भर पाई रिपिया दीना साथ रिपिया दीना साथी नरसी पर कृपा नरसी रूप धरियो सांवरियो गयो सेठा के पास। भगवान एक नरसी जी रो खुद रूप बनायो है और सीधा सेठ साहब रे कने जावे और सेठ साहब ने जान 60 रुपया पकड़ावे। 60 रुपया दे तो सेठ साहब एक पर्ची लिखावे के सेठ एक आडोनी राग लिखियोड़ी है जिकी आपरे साइन करन मन पर्ची दे दो लिखन के नरसी जी थे खुद ही पया दे रिया हो तो मैं थोने फ्री करिया के नहीं भाई तो लिख में आदमी कहे लिखियो पची पचे बिल्कुल ही झूठी नहीं कैडिंग ओवर दिग मगे मऊ माड़वे जाओ लिखिया खत झूठा पड़े को सेला कौन थाए बाबूजी थोड़े नौवरी हाक तो सही जे मैं पया दिया नहीं दिया काले की नट जाओ तो थोड़ा साइन कर मन कागज दी दो दे दो। जने उन टाइम में नरसी जी रा कागज लियोड़ो साइन करियोड़ा सेठ साहब रा और थोड़ा अगुण हेठ साहब दुकान वलगा अपरान खुद बनिया सेठ। जय हो। अब सेठ बन परा भगवान और कहीं तो उन मिंद्र जावे और कहीं बात बने। देखो अब सेठ रूप दरियो सांवरियो आयो सत्संग माई सेठ रूप दरियो सांवरियो आ गयो सत्संग माई आयो सत्संग माई राग के दारा दी भर पाई राग के दारा दी भर पाई अरे कागज दियो हाथ ये पर्ची दी नरसी पर कृपा करने रे बेरायो नरसी पर कृपा करने रे बेरायो अन्यार सेठ रूप धरियो सांवरियो आ गयो सत्संग माए
अब सेठ जी बनियोड़ा भगवान खुद और आवे इन देखो कि जिन जगह भगवान आ जावे वाटे सबों रो भाव एक समान सम भाव हो जावे। भगवान आओ और नरसिंह जी ने सेठ रूप रे में जिनटे में आप पर्ची पकड़ाई। अरे नरसिंह जी रे कहतो आ के नी खुलती पर वो भगवान रे हाथ रो कागज मिलियो और खट नरसिंह जी रवा में जिकी दुख बिना है खत्म। अरे खत्म वे गयो और कागज दे गयो हो सेठ साहब रे पया पहुंचता वेगा दिए। जय हो। अब नरसिंह जी खुश बियोड़ा और भगवान ने प्रार्थना मन ही मन करी रे वारे प्रभु वा भक्तों रो काम तो सारे ही थे। सारे भक्तों की मदद भगवान खड़े सुन भाई भक्तों का बुरा सावे हो कथक हो जाए। उन टेमरे में अरे अब कहे नरसिंह जी अब हाथ रे में लियो कागज पर भगवान मन ही मन विचार करियो रे मारे भक्त ने इतो दुख दियो। इन आदमी इन राजा इतो दुख दियो और जड़ तक इन्हें की इनकी चमत्कार नहीं मिले जड़ तक इन्हें कौन ठा पड़े। अरे इन वास्ते नरसिंह जी ने उठे बैठाया और राजा रे गर्रे में कहीं गिरे करे भगवान देखो देखते ही देखते एकदम फाइनल कर दिया। अरे अरे मेरे भक्त का संग करता है और इतो फल है मेरे भक्त का संग करता उसे मैं फल देता हूँ मेरे भक्त को तंग करता उसे मैं दंड देता हूँ देता हूँ भाई मेरे भक्त को दुखी करता है उसे मैं सजा देता हूँ। अरे अरे भगवान के मेरे भक्त का संग करता उसे मैं भगवान के मारे भक्तों हाथ करियो उन्हें तो मैं आनंदित कर दूं। अरे जिको फल वो मांगे न मारे भक्तरो साधना करी भक्तरो खुदरो तो भी मैं उन्हें फल दूं। और मेरे भक्त को तंग करता है उसे मैं सजा देता हूँ दंड देता हूँ वो मारो खुदरो नियम है। जय हो। तो उन टाइम में भगवान कहे अरे अब रानी रूप धरियो सांवरियो आयो लामा रानी रूप धरियो मेरे लारी मागो सत्संग माय जी पावने आयो पानी ये पावने आयो पानी रानी रूप अपने भक्त करी लाज बचावण अपने भक्त करी लाज बचावण आयो सारंगी प्राणी आयो सारंगी प्राणी नरसिंह पर हार मेरे तेरा यो हनहार नरसिंह पर अब कहे की रानी रूप धरियो गिरधारी और के पावन आयो पानी, पानी। अब राजारी नगरी रे में राजारी रानी नौ नौ पर्दा लगान बेवती। अरे अरे नौ नौ पर्दा लागिया करता आज पर्दो कहाँ गयो। हाँ सर पर्दो ही नहीं और रानी अजियो हाथ में लोटो लियोड़ी दौड़ी उड़ी जावे। जय हो। न राजा रे तो एडी छोटी तो झाल उड़ गई जो कत्ल कर दो। हाँ सर हमारे बिगड़ आदेश इन बाबे ने पानी पावन की करा दी। हाँ सर अब राजा रे जिन टेमर में क्रोध छड़ियो नरसिंह जी ने भूलगा वो हारी भूलगा। अरे सीधा आपरे महल में भगवान तो पानी पान खटखटो करना आप अलोप दे गया। अरे वो तो वेणा ही जासा अब भगवान आपरी धाम गया और अठिनु राजा आपरे घरे जावे और जान रानी ने कहवे अरे सर रानी सा थारो बात तो खराब है वो के क्यों मैं कहीं करियो थे उठे पानी पाऊने आया उठे उन बापुरो गांव उबो उन हम ही थे आगे पहुंचे ना उन्हें। अरे थे उन्हें में रानी के वे राजा मैं पानी नहीं पायो। अरे अरे मैं नहीं पायो पानी राजा मैं नहीं पायो पानी मैं नहीं पायो पानी राजा मैं नहीं पायो पानी राजा
राजा कोई संत सतायो, हे राजा कोई संत सतायो, बुद्धि तुम्हारी जानी, बुद्धि तुम्हारी जानी, कृषि कर कृपा करने दे रायो अनार, नरसी कर कृपा करने दे रायो अनार, मैं नहीं पायो पानी राजा, मैं नहीं पायो पानी पानी, अरे थे राजा कोई संत सतायो, अरे मैं बुद्धि तुम्हारी जानी, राजन ये गलती मारी नहीं है, है खुद की गलती करी बोला, और गलती की सजा थे मने दे रिया, मैं पानी पाने वास्ते अटू गई नहीं, मैं एक जुटियो जाऊं थारे पूरी दास ने पूछ लो, राजभवन राजी का सिपाही आया वहां ने पूछ लो कि मैं गेट हूँ बारी निकली वे तो। राजा कह बात इतनी आची जन उठवा लुगई बन कौन आई मारी आयो कौन रेडी हाँ मारे हमजू परे की करो बात जद के राजा हाची बात को थे कोई संत ने दुखी तो नहीं करियो के दुखी बड़कम करे उन्हें तो मैं खून पसीनो एक कर दियो अरे अरे हाँ इसको निकाल दिया आज बाकी मैं हैंग सजा दी के तो फुर्ती राखो फांचा जाओ नीजन वो की श्राप दे दियो तो घर बर्बाद कर दे अरे अरे जिंटे में राजा रानी ने हाथ ले जाओ के आप ही आलो मारे हाथे राजा रानी और उठ मंदिर में जावे नरसी जी बैठा हाँ नरसी जी ने देखा राजा जान पग पकड़े कुंटे में नरसी के राजा थने हारी पैर तो देख लो भगवान तो थने नहीं दिखे क्योंकि उना दीदार करने वास्ते आदमी री वा दिव्य दृष्टि की जरूरत है वह दिव्य दृष्टि आदमी ने प्राप्त करने वास्ते सबों पहले काम है क्रोध है मद है लोभ है मोह है अहंकार है यानी सबों ने अलग करना पड़े राजा पड़े भाई अलगा करना पड़े और साधना करना पड़े जब साधना करोला तो साधन की प्राप्ति हो जावे अपने आपनी साध्य और साधन अलग अलग सीजे साध्य तक पहुंचना है तो साधना करनी पड़ी इन वास्ते आदमी साधना नहीं करे जब तक बात आदि है अरे अब नरसी जी इतनी बात कही विचार करियो रे भाई अब हार तो कमो कम आप देख लो तो नरसी जी कई तो केदार रहा गावे और कई भगवान ने हार पहराने वास्ते आवनो पड़े और कहे अरे अरे दर्शन दो गन श्यामनाथ मेरी अखियां प्यासी रे दर्शन दो गन श्यामनाथ मोरी अखियां प्यासी रे दर्शन दो रने श्यामनाथ मेरी अखियां प्यासी रे दर्शन दो रने श्याम मंदिर मंदिर मूरत तेरी
दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। हे महाराज अब तो दर्शन दो, अब तो दीदार दिखा दो। और जिंटी में भगवान केवे कहीं तो राजा ने हार पहना उन्हें वास्ते खुद प्रकट वे। और जिन माते भगवान की कृपा हो जावे तो कोई चीज कमी प्रभु नहीं राखे। नरसिंह जी महाराज